शासन ऋषि सभीता प्रणाम। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रसन्न रहो हे ऋषिराज। आइए बोले बेहस चरा चर राया राजी है बहुत दिनन कीन मुन ताया। हे देव ऋषि नारद जी, आज तो आपने बड़े दिनों में कृपा की है। काम चरित नारद सब भासे जदत प्रथम बरज शिव राखे। हे देव ऋषि नारद जी, आज तो आप अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है कृपया आप मुझे बताइए। हे प्रभु, ऐसी तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो बात भी बहुत बड़ी है। भाई जो काम मसीने ने किया वो हमने किया है। ऐसा क्या काम किया है आपने? वैसे कोई बात बड़ी नहीं है, हम आपका ध्यान लगा रहे थे। देवराज इंद्र डर गया, उसने हमारी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। अब पुराणों में सब जगह लिखा है कामदेव हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। वैसे शंकर जी, ब्रह्मा जी और आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे तो कहे गया। पर वैसे प्रभु बताइए, कोई छोटा मोटा काम है? नहीं नहीं नारद जी, यह तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। रोख बदन इसी बात पर जोड़ रहे थे। मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मधुमा। हे देव ऋषि नारद जी, आपके स्मरण करने से तो केवल काम क्रोध मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं, भला वह कामदेव आपसे किस प्रकार जीत सकता है? देव नारद कहो, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। आप जो कह रहे हैं ना, ऐसे किसी ने नहीं कहा। शंकर जी कहते हैं कि किसी को मत बताना, पिताजी कहते हैं किसी को मत बताना। वैसे प्रभु ये सब आप ही की कृपा से किया है। मैंने कामदेव तो मैंने जीत ही लिया। करना निध मन दीख बिचारी और अंकिरे गर्भ तर भारी। प्रभु अब मैं तो जा रहा हूँ, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि देव ऋषि नारद के अंदर अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है। बेज सुमेट आ रहे हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। इसलिए मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने सेवकों का हित करूं और मुझे देव ऋषि नारद जी के अभिमान रूपी अंकुर को नष्ट करना होगा। श्रीपति निज माया तब तेरी, श्रीपति निज माया तब तेरी, सोना हो पटे करनी तेरी। हे मेरी माया प्रकट हो, हे मेरी माया, आप आज आपको मेरी आज्ञा के अनुसार एक कठिन कार्य करना होगा। बिरचौ मगमोह नगर से सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। और हे मेरी माया, देव ऋषि नारद के अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि देव ऋषि नारद का अभिमान रूपी अंकुर नष्ट हो जाए। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम जिस रास्ते से देव ऋषि नारद जा रहे हैं उसी रास्ते में
एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। बसई नगर सुंदरी नारी जिस नगर एक नगर की स्थापना करो और उस नगर में सुंदर स्त्री एवं पुरुष होने चाहिए। ते ही पूरी बसाई सीन निधि राजा अग्नित है गई सेन समाजा। और उस नगरी में सीन निधि नाम का एक राजा होना चाहिए। विश्व मोहनी तास कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। और उसकी एक पुत्री होनी चाहिए जिसका नाम विश्व मोहिनी होना चाहिए। करे स्वयं पर सोन फुबाला। भगवान विष्णु ने एक नगर का निर्माण किया और वहां के महाराज शील निधि राजा उनकी एक कन्या विश्व मोहिनी। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो नारद जी के अवमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है और मुझे ये उखाड़ना है। तो अपनी